हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू शर्मा और 1 जुलाई से ओरिफ्लेम के रजिस्ट्रेशन में कुछ छोटे से चेंज आए हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, जब आप अपना ओरिफ्लेम ऐप ओपन करोगे तो नीचे की तरफ जो स्क्वायर देख रहे हो, आप जब इसको टच करते हो तो हमारा ये फॉर्म आता है। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए नेम भरा है, अगर ईमेल एड्रेस है तो आप वो भी फिल कर सकते हो, क्योंकि इनका सरनेम नहीं था तो मैंने सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कश्मीरा ही फिल किया है। इसके बाद इनका आधार कार्ड पर जो भी डिटेल होगा, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे उनका एड्रेस हो, आप वही फिल करोगे। इनका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे था वो डाला है मैंने, अगर आधार कार्ड पे नहीं है तो जो उनका है वो आप डाल सकते हो। उनका फ़ोन नंबर डाला है, केवाईसी एड्रेस यानी कि जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप आईडी एड्रेस प्रूफ लोगे ना वो एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जिस डाउनलाइन के नीचे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ तीन ऑप्शन हैं। पहला है आई एम द स्पॉन्सर, यानी कि जब आप अपने नीचे डायरेक्ट लगाओगे तो फर्स्ट वाला चूज़ करोगे, और अपने डाउनलाइन के नीचे आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो ये सेंटर वाला मिड जो सेंटर में है वो चूज़ करोगे, इसमें स्पॉन्सर आप रहोगे। तीसरे वाले ऑप्शन में ये है कि अपने डाउनलाइन के नीचे तो आप लगा रहे हो पर वो उन्हीं की जॉइनिंग है तो स्पॉन्सर भी वही होंगे, तो आप थर्ड वाला चूज़ करोगे। तो मुझे अपने डाउनलाइन के नीचे लगाना है तो मुझे उनका यहाँ पर आईडी भी डालना, फिल करना होगा, जिस भी डाउनलाइन के नीचे मुझे लगाना है, जिस भी ब्रांड पार्टनर के नीचे मुझे अपना जॉइनिंग लगवानी है, उनका नेम भी आ जाएगा यहाँ पर। ये मैंने चूज़ कर लिया है, इनका नाम आ गया उर्वी सहाय। आधार कार्ड मैं चूज़ कर रही हूँ, आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ उनसे लोगे आप उसी को चूज़ करोगे, और आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे फिल करना है हमें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगे उसका नंबर फिल करना होगा हमें। अब ये न्यू चेंज आया है हमारे फॉर्म के अंदर। इस तरीके से अब मुझे केवाईसी डिटेल लेने की, आधार कार्ड जो मैंने कि अपने फाइल में सेव करके रखा हुआ है, फ़ोटो मैंने ले लिया था उनसे, कोलाज मैंने बनाया है इनका, वो मैं अपलोड कर दूंगी। इसके बाद हम इसको फिल करेंगे और उसके बाद साइन अप करेंगे हम। इस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा और उनके मैसेज पर एक नंबर चला जाएगा। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपने किसी भी न्यू मेंबर का।